सीएफओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि रात्रि 11:20 पर फायर सर्विस गोलघर गोरखपुर को सूचना मिली कि रामगढ़ ताल थाना के अंतर्गत नक्षत्रशाला तारामंडल के पास लेक व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 208 में 2 साल का बच्चा शशि घर में फंस गया है, जो कि अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है। सूचना मिलने के बाद FSO ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू यंत्रों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर फायर यूनिट द्वारा फायर टैंकर के ऊपर एक्सटेंशन लैडर सीढ़ी लगाकर फ्लैट के बालकनी तक पहुंचकर मार्ग बनाया गया। उसके बाद बालकनी के रास्ते फंसे हुए बच्चे के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा गया और जाली को तोड़ते हुए दरवाजा को काटकर बच्चे तक पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित पाया गया तथा बच्चे को सकुशल उसके माँ और पिता को सौंप दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CFO अरविंद कुमार सिंह ने कहा, फायर रेस्क्यू की टीम लेक व्यू अपार्टमेंट तारामंडल में रात्रि को 2 साल का बच्चा अंदर से दरवाजा बंद किए हुए था। फायर अफसर महोदय 11:50 रात्रि 11:50 पे दरवाजा अंदर से बंद किया था 2 साल का बच्चा शशि लेक व्यू अपार्टमेंट में, जिसमें फायर सर्विस ऑफिसर महोदय श्री ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू किया गया। दरवाजे को जो बच्चा अंदर से बंद किया था खोल करके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकल गया। फायर सर्विस को कल रात को 11:20 पर जो है एक सूचना मिली कि लेट व्यू अपार्टमेंट में जो है एक बच्चा जो है 2 साल का है, जो अपने आप को बंद कर लिया है। किसी भी तरह से गलती से उसकी सिटमी लग गई थी, उसके काफ़ी लोग गार्जियन परेशान थे। तत्काल फायर सर्विस को ये सूचना गोलघर को मिली और मैंने तत्काल ही टीम को रवाना किया वहाँ पर ब्रजमोहन FSO के नेतृत्व में, और इनके द्वारा जो है लेडर के माध्यम से बालकनी के माध्यम से जो है उस बच्चे को जो है जा करके जो है सफलतापूर्वक जो है निकाला गया। एक अच्छा कार्य हुआ, एक छोटा बच्चा जो है फंसा हुआ था और लोगों द्वारा जो है काफ़ी इसकी प्रशंसा की गई फायर टीम द्वारा।